जय हिंद स्टूडेंट्स, ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग वैकेंसीज के। यूपी उत्तर प्रदेश में रेडियो ऑपरेटर की यूपी पुलिस में वैकेंसीज है, जिसका डिक्लेरेशन 6 जनवरी को किया गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन, तो लगभग 1374 पोस्ट हैं, और इनमें जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं या फिर जो भूतपूर्व सैनिक महिलाएं हैं, उनके लिए 274 वैकेंसीज जो हैं वो रिजर्व हैं। इसके आवेदन शुरू होंगे 20 तारीख से, 20 जनवरी से, और आवेदन की जो शुल्क जमा करने की, जो कि ₹400 है, लास्ट डेट 28/2 है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नॉर्मल है, आपको एडवर्टीजमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक ऑप्शन और भी दिया गया है, जो कि इसमें दिया गया है, ये देख सकते हैं शैक्षिक अर्हता, कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में आपने बोर्ड में, स्थायी बोर्ड में भौतिक और गणित के शब्दों के साथ इंटरमीडिएट किया हो, यानी कि आपके पास कम से कम फिजिक्स और मैथमेटिक्स होने जरूरी है 12th तक। दूसरी चीज अगर आप देखें तो एक और भी है जो पार्ट, जिसको लेकर बच्चे काफी कंफ्यूज हैं। इसमें लिखा गया है कि आप लोगों के पास डोएक या नेलेट, नेलेट नया नाम है, डोएक पुराना नाम है, में कंप्यूटर में ओ लेवल स्तर का प्रमाण पत्र हो, या फिर जो भी आपके पुराने जो सेना में जो थे उनके पास 2 वर्ष का अवधि करने का, सेवा करने का अवधि का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो। लेकिन बच्चों ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप इस पूरे को देखें तो इसमें लिखा है जो भी अर्हता होंगे, यदि कोई अंक नहीं होंगे, इसके कोई भी मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी है, इसके कोई नंबर्स नहीं मिलेंगे, किंतु 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के बराबर अंक आने के कारण इनमें से जो जिनके पास कोई भी 2 होंगे उनको वरीयता मिलेगी। तो याद रखिएगा कि ये कंपलसरी नहीं है, इनको वैरियता यानी कि इनको प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जाएगा अगर किसी भी मेरिट्स में 2 कैंडिडेट्स के 1 जैसे नंबर्स आते हैं। एज और बाकी फैक्टर सिंपल हैं, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया वैकेंसीज हैं। इसमें आपको 400 नंबर की एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा है, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कि आप लोगों के सिंपल से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोग नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। आप लोगों को ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगा, और या तो फिर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल साइट है वहां पर भी जाकर आप इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अनाउंसमेंट क्लियर हो गई है।